मध्य प्रदेश में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले दिनों में जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर और सागर संभाग के 29 जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार एक ट्रफ लाइन उत्तर प्रदेश से गुजरती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला अभी जारी रहेगा। हालांकि कहीं भी भारी बारिश के पूर्वानुमान नहीं है। मौसम को देखते हुए मौसम विभाग का कहना है कि जिस प्रकार प्रदेश में बारिश हो रही है, अगर यूं ही बारिश होती रही तो भोपाल का विख्यात तालाब जुलाई के अंत तक ही भर जाएगा। मौसम विभाग ने बताया कि ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सागर, छतरपुर, दामोह, टीकमगढ़, पन्ना, निवाड़ी, उज्जैन, देवास, आगर, मालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में बारिश होगी। इससे पहले मलाजखंड में 0.8 मिमी, नरसिंहपुर में 17 मिमी, इंदौर में 1 मिमी, मंडला में 14 मिमी, धार में 1 मिमी, रीवा में 8, सागर में 2 मिमी, भोपाल में 7 मिमी, पंचमढ़ी में 4, सनातन, उज्जैन और शिवपुरी में 5 मिमी पानी गिरा। मौसम विभाग ने बताया कि बांग्लादेश में एक चक्रवात बना हुआ है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है। दूसरी और अच्छी बारिश होने से भोपाल का बड़ा तालाब जुलाई के अंत तक पूरी तरह भर सकता है। दरअसल तालाब के कैचमेंट एरिया में अभी तक 248 मिमी से ज्यादा बारिश हो चुकी है। बड़े तालाब का स्तर 9 दिन में ही आधा फीट बढ़ गया है। पिछले महीने तालाब में पानी का स्तर 1658 फीट था, अब यह पूर्ण स्तर 1666.80 फीट तक बढ़ सकता है।